वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद सरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं और इस कार्य को करने में जो आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। और गोविंद भाई की पाठशाला में स्वाध्याय चमत्कारी तेल लेखक उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक से कई सारे तेलों के औषधीय और चमत्कारी प्रयोगों की जानकारी आपको गोविंद भाई की पाठशाला में मिल चुकी है। आज हम जानते हैं सत्यानाशी का तेल। सत्यानाशी का तेल, सत्यानाशी के विभिन्न नाम हैं। हिंदी में सत्यानाशी, सत्यानाशिनी, संस्कृत में स्वर्णश्री, बंगला में सियालकांटा, गुजराती में दारूड़ी, मराठी में कांटे देवोत्रा, पिंबला, धोन, सिंहली, सिंहली में खर काढ़ेरी, अंग्रेजी में येलो पोपी, लैटिन में आर्जेमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना। यह वनस्पति जगत के पावावरेसी कुल में आता है। यह उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको प्रांत का आदिवासी पौधा है, किंतु भारत वर्ष में सभी जगह मुख्यतः उसर प्रती भूमि पर यह पाया जाता है। सत्यानाशी के पौधे 1 से 3 फीट तक ऊंचे, सीधे कोमल कांड तथा कटीले छुप वाले होते हैं। इसके पत्ते, तने, पुष्प, फल इत्यादि हर पर कांटे होते हैं। इसके तने को तोड़ने पर पीले वर्ण का रस निकलता है। इसकी पत्तियां नीलाब वर्ण के लिए हुए हरी कटी फटी पिनोर वाली तथा नुकीली शीर्ष युक्त मोटी सिराओं वाली एवं कांटेदार होती है। पुष्प पीले वर्ण के होते हैं तथा फल स्फोटी प्रकार के अंडाकार अथवा आयताकार एवं कांटे वाला होता है। इस फल में सरसों के बीज के समान किंतु उससे बड़े कालापन लिए हुए गहरे भूरे वर्ण के बीज पाए जाते हैं। इन्हीं बीजों से संपीड़न की सहायता से तेल प्राप्त किया जाता है। इन बीजों में मुख्य रूप से ओलिक एवं लिनोलिक अम्ल पाए जाते हैं जो कि उनके ग्लिसराइड के रूप में होते हैं। इसमें अति अल्प मात्रा में बर्बेरिन तथा प्रोटोपिन भी होते हैं। आयुर्वेदा अनुसार यह तेल रुच, तिक्त, शीत, वीर्य, वर्ण शोधक, कुष्ठ घन, रेचक, रक्त शोधक, ज्वर घन तथा मूत्रल होता है। छोटे जंतुओं में यह विषैला प्रभाव करता है। मनुष्य में इसके लगातार सेवन से बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, अतः इसे आवश्यक मात्रा में ही यदा कदा लेना चाहिए। इसके बाह्य प्रयोग से कोई हानि नहीं होती। आंतरिक प्रयोग हेतु 5 से 8 बूंद तक इसे लिया जा सकता है, किंतु इसे किसी वैद्य के निर्देशन में ही ग्रहण करें। सत्यानाशी तेल का औषधीय महत्व। सत्यानाशी के तेल का अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए औषधीय रूप से भी प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग आप स्वयं भी आसानी से करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष औषधीय प्रयोगों के बारे में बताया जा रहा है। वर्णों के उपचार के लिए बाहरी त्वचा पर कहीं भी कोई भी वर्ण हो जाने पर सत्यानाशी का तेल तथा नारियल का तेल मिलाकर लगाने से त्वरित लाभ होता है। इसे वर्ण के ऊपर रुई के फोहे की सहायता से लगाना चाहिए। मूत्र रुक जाने की स्थिति में कभी कभी किसी व्यक्ति का पेशाब रुक जाता है, इस कारण अत्यधिक शारीरिक कष्ट परेशान करने लगता है। ऐसी स्थिति में 1 बतासे में 1-2 बूंद सत्यानाशी का तेल डालकर पीड़ित को देने से लाभ होता है। अधिक तीव्र लाभ प्राप्त करने के लिए 8-10 बूंद तेल उस व्यक्ति के पेट पर नाभि के नीचे अर्थात पेड़ों पर हल्के से मालिश भी कर देना चाहिए। इस प्रयोग के थोड़ी देर में आशाजनक एवं सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। बुखार आने की स्थिति में जिस किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो उस व्यक्ति को 1 चम्मच भर खांड में 1 बूंद सत्यानाशी का तेल मिलाकर फांक लेना चाहिए। ऊपर से शीतल जल पी लें। इसके साथ ही रोगी के पदतल एवं पिंडलियों पर इस तेल की हल्के से मालिश कर देनी चाहिए। ऐसा करने से रोगी के शरीर का ताप कम होने लगता है। यह प्रयोग किसी योग्य वैद्य के निर्देशन में ही करें जिससे अधिक लाभ मिल सके। एक्जिमा पर, त्वचा पर एक्जिमा हो जाने पर सत्यानाशी का तेल का प्रयोग करने से आशातीत लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए संबंधित स्थान को गाय के गोबर में सत्यानाशी का तेल पर्याप्त मात्रा में मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। इस प्रयोग से एक बार ही लुप्त हुआ एक्जिमा दोबारा नहीं होता। यदि गाय के गोबर के स्थान पर बकरी की मेघनियां पीसकर उस चूर्ण में सत्यानाशी का तेल मिलाकर लगाया जाए तो और अधिक भी लाभ होता है। रेचन हेतु दस्त बंद हो जाने की स्थिति में सत्यानाशी के तेल 3-4 बूंद बतासे में डालकर देने से तथा ऊपर से 1 केला खिला देने से शीघ्र ही दस्त हो जाता है। यह प्रयोग 1-2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए।
पूर्ण लाभ के लिए यह प्रयोग किसी वैद्य योग्य वैद्य के निर्देशन में ही करें। सत्यानाशी तेल के विशेष प्रयोग। सत्यानाशी का तेल कुष्ठ रोग में अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होता है। कुष्ठ रोग के प्रारंभिक अवस्था में यदि रुई की सहायता से इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगा दिया जाए तो रोग बढ़ने की संभावना क्षीण हो जाती है। बढ़े हुए रोग में भी रुई की सहायता से नियमित इस तेल को लगाने से अत्यंत लाभ होता है। इस प्रयोग से लाभ तो होता है किंतु इसमें कुछ समय लग सकता है, अतः धैर्य पूर्वक प्रयोग करते रहें। तेल को नारियल तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं। सत्यानाशी तेल के चमत्कारी प्रयोग। सत्यानाशी के तेल के द्वारा ऐसे चमत्कारी प्रयोग किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर एवं सुख समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रयोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यह एक यंत्र प्रयोग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है जो उसे अनचाहे ही परेशान करते रहते हैं। अग्रा अंकित यंत्र प्रयोग कर प्रयोग ऐसे शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है। किसी भी कोरे कागज पर शनिवार के दिन बहेड़े की कलम से पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सत्यानाशी के तेल से निम्नांकित यंत्र बनाएं। यंत्र के नीचे शत्रु का नाम लिखकर उसे जला दें। यंत्र के जलने पर बनने वाली राख को मसलकर हथेली पर लेकर शत्रु के घर की दिशा में उड़ा दें। ऐसा करने से शत्रु की पीड़ा समाप्त होती है अथवा वह शत्रु किसी न किसी प्रकार से अनुकूल हो जाता है। यंत्र जो है इस प्रकार है। दूसरा चमत्कारी प्रयोग। कई बार व्यक्तियों के कार्यों में विघ्न बाधाएं आने लगती है। बनते बनते काम अनायास से बिगड़ने लग जाते हैं। कई बार इस स्थिति का सामना करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, लाभ की प्राप्ति होगी। दो लौंग जो फूल वाली हो ले लें, उन पर दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली से सत्यानाशी के तेल की छींटे दें। इन दोनों लौंग के को कपूर की टिकिया में रखकर जला दें। ये लौंग जितनी देर तक जले उतनी देर तक उसके समक्ष बैठकर ही मन यह धारणा बनाए, हे प्रभु मेरे अमुक अमुक कार्य की रुकावटों को दूर हो अथवा मेरा अमुक अमुक कार्य संपन्न हो जाए। कुछ दिनों तक इस प्रयोग को नित्य करने से चमत्कारी परिणाम परिलक्षित होते हैं। जो व्यक्ति रात्रि के सोते समय डरता हो अथवा बुरे स्वप्न आते हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभाव सिद्ध हो सकता है। इस उपाय में आपको एक यंत्र का निर्माण करना होगा। इसके लिए एक सामान्य सफेद कोरे कागज पर काले रंग की स्याही द्वारा किसी भी प्रकार की कलम द्वारा रात्रि में शयन करने के पूर्व अग्रा अंकित यंत्र बना लें। इस यंत्र पर सत्यानाशी के तेल के छींटे देकर उस पर थोड़ा सा कपूर रखकर जला दें। यंत्र को जलाने का कार्य आप अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। यंत्र को लकड़ी के पाटिये पर रखकर उसके ऊपर कपूर की टिकिया रखकर जला दें। कपूर के जलने से यंत्र भी जलने लगेगा। यंत्र को जलाने का कार्य घर के भीतर कहीं भी किया जा सकता है। इस प्रयोग को शनिवार अथवा मंगलवार को करें। इसके कारण समस्या दूर होती है। यंत्र को आधुनिक पेन से किसी भी रंग की स्याही से लिखा जा सकता है। यंत्र के जल जाने के बाद कागज की राख को उठाकर मसल लें और घर से कुछ दूर जाकर फूंक मारकर हवा में उड़ा दें। यंत्र जो है इस प्रकार है। आज हमने जाना गोविंद भाई की पाठशाला में स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चमत्कारी तेल सत्यानाशी के तेल के औषधीय और चमत्कारी प्रयोग। आप सभी से विनम्र विनती है, शायद आपको इसी की जरूरत हो या ना हो, आप माध्यम बन सकते हैं किसी अन्य भाई बहनों के स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण में। उसके लिए एक छोटा सा कार्य करना है, इन ज्ञानों को जन जन तक पहुंचाने में शेयर का बटन दबाना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।